हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है सीएलसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज अपन जेई के गुरु नीति के एपिसोड में सॉल्यूशन वाले टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं हनुमान जंगिट और मेरे साथ है टीसी गुप्ता सर। सर डिस्कस करें। बिल्कुल सर, ठीक है सर। देखिएगा, फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम ये दे रखी है, इफ लिक्विड ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। सर ये बोल रहा है कि एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है, तो उसमें बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होगा। फर्स्ट ऑफ थिंग सर, आइडियल सॉल्यूशन बोले या नॉन आइडियल सॉल्यूशन अगर अपन बात करें कि ये इसका बेसिक थीम क्या होती है आइडियल और नॉन आइडियल की, तो मैं ये बोल सकता हूँ आइडियल सॉल्यूशन के लिए आप ऐसा बोलोगे राउल्ट्स का लॉ जो है वो एप्लीकेबल होना चाहिए। बिल्कुल सर, पूरा एप्लीकेबल होगा। अगर राउल्ट्स का लॉ एप्लीकेबल है तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो आना चाहिए वो थियोरटिकल वेपर प्रेशर के इक्वल आना चाहिए। बिल्कुल, थियोरटिकल वेपर प्रेशर जो अपन राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करते हैं, और नॉन आइडियल के लिए जो है वो ऑब्जर्व वेपर प्रेशर जो है वो थियोरेटिकल के बराबर नहीं आएगा। इट मींस जो राउल्ट्स लॉ से आप कैलकुलेट करते हो उसके इक्वल तो नहीं आएगा, या तो ज्यादा आएगा या कम आना चाहिए। ठीक है, ये कम और ज्यादा आने का एक ही रीजन है, वेपर प्रेशर जो होता है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज होता है तो वेपर प्रेशर भी चेंज हो जाता है। बिल्कुल चेंज हुआ। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हुआ तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट में डिक्रीज हो गया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाना चाहिए, बिकॉज़ वेपर वहां पे ज्यादा बने। ठीक है सर, तो आइडियल में मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जो न्यू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा वो ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होना चाहिए फिर तो, ओरिजिनल के। और नॉन आइडियल में जो होगा वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू जो होगा वो नॉट इक्वल टू होगा ओल्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वो ज्यादा होगा या ज्यादा होगा या कम होगा। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू वाला ज्यादा है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि वेपर प्रेशर अब डिक्रीज हो जाएगा। बिल्कुल सर, और वेपर प्रेशर डिक्रीज हो गया तो इसको बोलेंगे अपन नेगेटिव डेविएशन, ये बोलेंगे। बिल्कुल, और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यू वाला जो है वो डिक्रीज हो गया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा और इसको अपन बोलेंगे पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है सर, ये तो आइडियल नॉन आइडियल की कहानी हुई। अब अपन स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। फर्स्ट ऑफ थिंग ये बोल रहा है फ्री एनर्जी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, मींस डेल्टा जी की बात, जी की बात कर रहा है डेल्टा जी। ठीक है सर, सर नेक्स्ट पेज पे अपन बात करें। अगर डेल्टा जी से पहले मैं ये बोल देता हूं कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो डेल्टा एच होता है, मींस दो सॉल्यूशन को अगर अपन मिक्स करते हैं तो उसका डेल्टा एच जो होगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ तो इसका मतलब डेल्टा एच जीरो रहेगा, जीरो होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। सेकंड नंबर, एंट्रोपी हमेशा मिक्सिंग की जो होती है चाहे कैसा भी सॉल्यूशन बनाओ हमेशा ग्रेटर देन जीरो आएगी, मींस पॉजिटिव आएगी, में एंट्रोपी ऑलवेज इंक्रीज होगी, ऑलवेज। ठीक है सर, इसके बेसिस पे अगर अपन लगाए कि डेल्टा जी इज इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, अगर ये लगाए तो ये तो है जीरो माइनस टी डेल्टा एस है पॉजिटिव, इसका मतलब डेल्टा जी तो नेगेटिव आएगा ही आएगा। टेम्परेचर यहाँ ऑलवेज क्या होगा, टेम्परेचर केल्विन में होगा, टेम्परेचर कभी भी नेगेटिव पॉसिबल नहीं है क्योंकि अपन केल्विन में पुट करते तो नेगेटिव में वैसे भी होता नहीं, तो डेल्टा जी नेगेटिव आएगा। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया सर। पहला स्टेटमेंट में वापस देखते हैं तो फ्री एनर्जी जीरो हो गया, इट मींस क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, रॉन्ग हो गया। डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो, नेगेटिव होता है। सेकंड वाइज फर्स्ट अपना क्या है, रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट बोला कि फ्री एनर्जी एज वेल एज एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग ईच आर जीरो, तो डेल्टा जी तो सर जीरो हो जाएगा यहाँ पे, बट ये जो कह रहा है ना एंट्रोपी, एंट्रोपी आपने बोला है कि डेल्टा एस जो आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसमें आधा स्टेटमेंट सही है आधा गलत है, इसका मतलब रॉन्ग है। एनर्जी जीरो, ये भी जीरो नहीं होगी, ये भी गलत है क्योंकि डेल्टा जी ऑलवेज नेगेटिव, डेल्टा जी क्या होगी, नेगेटिव होगी, और डेल्टा एस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इट मींस स्टेटमेंट टू इज रॉन्ग, इनकरेक्ट। थर्ड वाला स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, इसका सब कर चुके हैं, डेल्टा एच क्या होगा इसमें, जीरो होगा। फोर्थ वाला वापस बोल रहा है, एंट्रोपी आपका करेक्ट है, फोर्थ पढ़ते हैं, एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, ये गलत है, पॉजिटिव है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग ए 2.5 ग्राम सैंपल ऑफ अननोन कंपाउंड, और डिसॉल्व किसमें कर रहे हैं, 34 ग्राम बेंजीन में कर रहे हैं C6H6, and boil set 1.38 higher than pure benzene, it means यहाँ पे क्या हुआ, higher than means किसकी बात कर रहा है, ये elevation in boiling point, ये value किसकी है, delta TB, किसकी है, delta TB elevation in boiling point, क्वथनांक में उन्नयन की value दी हुई है। ठीक है,
Which expression gives the molar mass? देखो इनका जितनी भी colligative property इनका यूज क्या है, practical यूज क्या है, determine the molar mass of unknown solute. और यहाँ पे method कौन सा यूज करना है, elevation in boiling point. करना क्या हमें, molar mass निकालना है. तो देखो सॉल्व करते हैं, क्या होगा formula? डेल्टा टी बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम. डेल्टा टी बी क्या है, अगर आप सॉल्यूट चेंज करते हो तो केबी की वैल्यू चेंज नहीं होने वाली सर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है सर, अब वैल्यू हम पुट कर रहे हैं तो डेल्टा टीबी देखो क्या दिया बेटा, 1.38 हायर है. ठीक है सर, इट मींस क्या होगा, डेल्टा टीबी कितना हो गया 1.38. क्लियर, आई वॉन्ट ऑफ फैक्टर की बात करें तो अननोन सॉल्यूट दिया हुआ है और अननोन जब तक हमके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आई की वैल्यू ऑलवेज क्या मानेंगे, 1 हम कंसीडर करते हैं. इसका मतलब ये होगा सर, आई वैल्यू हम 1 मान लेंगे, इट मींस ना तो मानेंगे एसोसिएशन नहीं डिसोसिएशन, नहीं मानेंगे डिसोसिएशन मानेंगे. ठीक है, केबी की वैल्यू इसमें क्या है, गिवन है, कितनी गिवन है, 2.53. कितनी गिवन है, 2.53. तो केबी की वैल्यू पुट कर दीजिए. मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. तो ऊपर देखो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होंगे, सॉल्यूट का वेट कितना है 2.5 ग्राम और मोलर मास तो हमें कैलकुलेट करना ही करना है. तो 2.5 अपॉन मोलर मास हम मान लेते हैं कैपिटल एम. क्या मानते हैं, कैपिटल एम मान लेते हैं. नीचे क्या आएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी 34 ग्राम है सर, 34 ग्राम आपके पास क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी है. ठीक है, सॉरी ग्राम में दिया हुआ, तो केजी में कैसे करेंगे, 34 × 10⁻³ केजी में आ जाएगा. ठीक है, अब करना क्या है, मोलर मास निकालना है. तो मोलर मास इक्वल क्या हो गया, ये यहां लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको नीचे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 2.53 × 2.5 अपॉन ये यहां पे आ जाएगा 1.38. ठीक है, और ये इंटू 34 × 10⁻³ अब देखो ऑप्शन देखो बेटा है क्या, 2.53 × 2.5 इसमें 1000 नहीं है तो फर्स्ट आपका रोंग है, सेकंड देखिए सर सेकंड में आपका रोंग हो जाएगा, 1000 देखिए सर 2.5 देखो वहां अपने आंसर में माइनस 3 है ना, ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा. तो देखो थर्ड समय तो रहा 2.5 10⁻³ × 2.53 / 34 × 1.38 इट मींस आपका थर्ड क्या है, करेक्ट है. फोर्थ देखो, फोर्थ में क्या गलती है, फोर्थ में सर ये दे रखा है 1.38 ऊपर आ रहा है, ऊपर आ रहा है, और एक्चुअल में कहां आता है, ये नीचे आया, आपने कहां आया नीचे. क्लियर बेटा, तो आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात. नेक्स्ट थर्ड नंबर प्रॉब्लम दे रखी है, पीएच ऑफ ए 0.1 मोलर मोनोबेसिक एसिड. मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड का मतलब ये बोल सकता हूं मैं सर, ये एच ए टाइप का एसिड है जो एक एच प्लस आयन देता है. फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड CH3COOH इज मोनोबेसिक एसिड बिकॉज इट कैन रिलीज ओनली वन हाइड्रोजन, इज मेजर टू बी 2. इसकी पीएच जो दे रखी है वो 2 दे रखी है. ठीक है, इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर एट ए गिवन टेम्परेचर टी केल्विन इज. सर सबसे पहले अगर अपन को मैं एक बात सोचूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला होता है पाई इज इक्वल टू आयोटा इनटू सीआरआरटी, ये होता है. टेम्परेचर अपन को टी में ही रखना है, आर आर के टर्म्स में रखना है, आयोटा और सी की वैल्यू चाहिए. बिल्कुल, सी अपन को दे रखा है 0.1, आयोटा कैलकुलेट कर लिया जाए, सी की वैल्यू अपने पास क्या है 0.1. मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं सर कि अपन को हर प्रॉब्लम में जो आयोटा का यूज करना चाहिए, चाहे उसकी वैल्यू 1 आए या फिर 1 से ज्यादा आए, अगर अपन अगर लिखेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे भी सही, अदरवाइज अपन क्या करते हैं पाई इज इक्वल टू सीआरटी लिख देते तो आयोटा लिखना ही भूल जाते हैं और एग्जाम में दोनों आंसर दे रखे होंगे. ऑलवेज आप फॉर्मूला यूज करें सर, का मतलब यह है कि ऑलवेज फॉर्मूला यूज करें, जितने भी चार प्रॉपर्टीज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी उनको आई से मल्टीप्लाई करना ना भूले. बस सपोज आई की वैल्यू 1 आई तो कोई दिक्कत नहीं, वो कैंसिल हो जाएगा. ठीक है, तो मेरे को आयोटा कैलकुलेट करना है. यहाँ पे एच ए मोनोबेसिक एसिड दे रखा है सर, यहाँ पे ऐसा लिखना चाहिए था वीक मोनोबेसिक एसिड है. अगर मैं इसको ऐसे कंसिडर कर रहा हूँ, ये H प्लस बनाएगा प्लस A माइनस बनाएगा, ये दे रखा है. अगर यहाँ पे ये कह रहा है pH 2 है, pH अगर 2 दे रखी है तो यहाँ से मेरे को H प्लस आयन जो मिलेगा कंसंट्रेशन वो मिल जाएगा 0.01 H प्लस माइनस 2 या 0.01. तो अब यहाँ पे देखे सर, ये 0.1 दे रखा था, इसमें से माइनस X किया
या x और यहाँ पे x, x की वैल्यू मेरे को मालूम चल रहा है 0.01 है, तो मैं एक बात काम कर लेता हूँ, एक्सपेरिमेंटल कंसेंट्रेशन या मोल कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंटल मोल बोलो या कंसेंट्रेशन बोलो एक ही बात है, अगर अपन सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 लीटर कंसीडर कर लेते हैं, तो 0.1 माइनस x प्लस x प्लस x, तो यहां पे आ जाएगा 0.1 प्लस x, और x की वैल्यू मींस h प्लस आयन की कंसेंट्रेशन है और उसकी वैल्यू दे रखी है अपन को 0.01, इट इज अ 0.11, ये आ गया, ये एक्सपेरिमेंटल मोल आ गया। आयोटा जो होता है वोंट ऑफ फैक्टर, इट इज द एक्सपेरिमेंटल मोल अपॉन थ्योरेटिकल मोल होता है, बिल्कुल सर। अगर ऐसा है तो मैं ये मान के चलूं कि मोल एक्सपेरिमेंटल जो आया वो तो आ गया 0.11, ये लो, और थ्योरेटिकल मोल दे रखा था स्टार्टिंग में कितना दे रखा था 0.1, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 1.1 आ गई, आयोटा 1.1 आ गया, यहां पे वैल्यू पुट कर दिया 1.1, सी की वैल्यू 0.1, सी 0.1 है, आरटी, आरटी देखो ऑप्शन में सब में आरटी दिया हुआ था, वो वैल्यू पुट करने की आवश्यकता यहां पे नहीं है, तो ये मल्टीप्लाई करते ही आ जाएगा 0.11 आरटी। अब 0.11 आ जाएगा ऑप्शन नंबर कौन से में, सेकंड नंबर, सेकंड, तो सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 3-4, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एट 273 केल्विन व्हेन 10 ग्राम ग्लूकोज, उसका प्रेशर कितना है P1 है, 10 ग्राम यूरिया P2 है, 10 ग्राम सुक्रोज P3 है, डिसॉल्व इन 250 ml of water. It means यहाँ पे volume सबका क्या है? Same दे दिया. तो अभी previous में use किया formula. तो osmotic pressure pi equal to क्या होता है? I C R T. अब यहाँ पे देखो option देखो आप compare करना है. किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा? जो common terms है वो तो use है नहीं. अब देखो यहाँ पे पहले हम I की बात करते हैं. तो I पे देखो यहाँ पे क्या क्या ग्लूकोज है, आई वन होगा, दूसरा क्या है यूरिया वन होगा, सुक्रोज वन होगा, क्यों वन होगा, ये सारे नाइदर डिसोसिएट नॉर एसोसिएट, ना तो इनका विघटन होता है नहीं संघटन होता है, ये सारे के सारे सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसलिए आई सब पर क्या होगा वन होगा, इट मींस आई को अपने यहाँ पे कंसिडर करना ही नहीं है सबका वन है। सी की बात करें तो बिल्कुल सबका वेट इन ग्राम अलग है, इट मींस मोलिडिटी चेंज होगी, आर सबके लिए ऑलरेडी क्या है यूनिवर्सल गैस कॉन्सेंट्रेटर, टी सबका सेम दे रखा है, तो इट मींस हमें बात करनी है किसकी, ओनली मोलरिटी, किसकी बात करनी है, यानी ऑस्मोटिक प्रेशर प्रोपोर्शनल टू मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब मोलरिटी होती क्या है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम ठीक है। अब बात करें वॉल्यूम भी सेम हो गया, वॉल्यूम भी सेम, वॉल्यूम का मामला भी यहां फिनिश। अब बता क्या मोल, मोल क्या होता है वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, अब वेट इन ग्राम में जब सबका सेम है इट मींस क्या करना है मोलर मास के इन्वर्सली क्या करना है प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मोलर मास के इन्वर्सली हो जाएगा, जिसका मोलर मास ज्यादा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम आ जाएगा। तो देखो आप सबसे कम मोलर मास किसका है सर, ग्लूकोज का 180 हो गया, ग्लूकोज का हो गया 180 ठीक है, यूरिया का दे रखा है आपने 60 और सुक्रोज का 342, तो सबसे कम कौन सा वाला बेटा, यूरिया का है तो देखो इसका P2 सबसे ज्यादा है, कौन सा P2 मैक्सिमम हो जाएगा, फिर P1 और फिर P3, P3 तो आप ऑप्शन लगा आपका थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, द अमाउंट ऑफ आइस दैट विल सेपरेट आउट ऑन कूलिंग ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 50 ग्राम ऑफ इथाइलीन ग्लाइकोल, इथाइलीन ग्लाइकोल इन 200 ग्राम वाटर टू माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस, ये कूलिंग यहां तक किया गया है सर। फर्स्ट ऑफ थिंग सर मैं ये एक बात बता देता हूं कि इसने बोला कि आइस सेपरेट होगी, मीन सॉल्वेंट में से आइस सेपरेट होगी, अगर यहां पे एक ऑप्शन 0 ग्राम भी अगर दे देता बाय चांस, जैसे सपोज करो 0 ग्राम अभी दे नहीं रखा है, अगर 0 ग्राम दे देता तो पहले मेरे को ये भी सोचना पड़ता आइस सेपरेट होगी भी या नहीं होगी, बिल्कुल सर है ना। तो मैं पहले तो ये कांसेप्ट बता देता हूं, ये आइस सेपरेट कैसे हो जाती है बेसिकली, अगर अपन बात करें तो मैं एक बात सोचता हूँ कि अगर 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है और 200 ग्राम अगर वाटर में चल रहा है ना, तो अपन ये काम करते हैं डेल्टा टीएफ कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं कि डेल्टा टीएफ कितना आएगा, तो डेल्टा टीएफ आयोटा इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए वन होता है, केएफ ये दे रखा है ठीक है। मोलेरिटी की बात करते हैं अपन, तो 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, आपने वो फॉर्मूला लिखा है उसके अकॉर्डिंग मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा 62 आएगा, और अपन को दे रखा है 200 ग्राम वाटर में, ये भी चेंज कर लें इसको तो 1000 से डिवाइड कर दी गई ठीक है सर। ये अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा 5 टाइम्स, और यहां से अगर अपन बात करें तो ये हो जाएगा 0.3 × 25 मींस 7.5 डिग्री सेल्सियस तक एलिवेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो सकता है, इसका मतलब
-7.5 डिग्री सेल्सियस तक तो सर ये सॉल्यूशन फ्रीज नहीं होने वाला है, इतना तो ये डिप्रेशन सहन कर लेगा, लेकिन आपको बोला है -9.3 डिग्री तक लेके गए। आपको डिप्रेशन अगर सर बढ़ाना है ना, तो डिप्रेशन बढ़ाना है इसका मतलब ये वाला मास कम करो आप, बिल्कुल सर, ये कम करो इसका मतलब इस वाटर में से आप आइस के फॉर्मेट में वाटर को क्या करो, सेपरेट करो। वाटर कम हो गया तो इसमें क्या होगा, वहां मास कम हो जाएगा, यानी अब कम कैसे होगा, जब उसकी आइस बनेगी। बिल्कुल, तो अब यहां से मेरे को ये चीज तो मालूम चल गई कि आइस सेपरेट तो जरूर होगी। बिल्कुल सर, अगर क्योंकि यहां पे एक अच्छा ऑप्शन बना के दे दे आईआईटी एडवांस पॉइंट से जीरो लिख देता तो मेरे को चेक भी करना पड़ता कि ये जीरो आएगा या नहीं आएगा, है ना। अब ये तो मालूम चल गया कि आइस सेपरेट होगी, अब मैं क्या करता हूं सर वापस कि डेल्टा फार्मूला में अप्लाई करता हूं, फार्मूला अप्लाई करना है बस, वहां पे वाटर का मास क्या मानेंगे हम, कुछ अज्यूम कर लेंगे एक्चुअल मास मान सकते हैं। अब यहां पे मेरे को डिप्रेशन करना 9.3 तक का, -9.3 तक लेके जाना है, तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, यहां तक लेके आना है। मींस डिप्रेशन 9.3 का है, केएफ 1.86 है, बिल्कुल सर, 50 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है ही है, अपॉन 62 है ही है, और यहां पे एक्स ग्राम मान एक्स ग्राम वाटर केजी, सॉरी ये केजी में मानेंगे, सब ग्राम में मान लो 1000 का मल्टीप्लाई कर जाएगा, ये एक्स हो गया, ये 1.86, ये 50 इनटू 1000 डिवाइड बाय 9.3 और इधर हो गया 60। अगर अपन बात करें तो ये टेन टाइम कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल आउट कर दिया जाए, ये हो जाएगा 100 के पीछे 20 अपॉन 62, ये आ जाएगा मास, ठीक है सर, ये मास आ जाएगा, ये अप्रोक्सीमेट जो है, ये अप्रोक्सीमेट जो आएगा वो आएगा 1000 डिवाइड बाय 62 है, 62 आएगा 10000 डिवाइड बाय 62, ठीक है सर, 10000 डिवाइड बाय 62 है, तो ये ऑलमोस्ट अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको इसमें एग्जैक्ट देखना पड़ेगा, क्योंकि सर एक तो 37.10 भी है और एक 42 भी है, दो ऑप्शन क्लोज है थोड़े, तो याद आपको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो बाकी दो मिलीग्राम है, बाकी तो मिलीग्राम में डिफरेंस ज्यादा है, ये 162 के आसपास आएगा, 162 ग्राम मास ऑफ वाटर आ गया, और 162 ग्राम अगर मास ऑफ वाटर आ गया तो आई थिंक 38 जो आएगा, तो अपने पास पहले कितना 200 था और यहां पे कितना है 162, इट मींस रिमेनिंग कहां गया, आइस में कन्वर्ट हुआ, आइस में कितना है ये एप्रोक्सीमेट 38 आया, और 38 ऑप्शन में दे रखा ग्राम में, फर्स्ट आपका कौन सा सर, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात कर सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉमन सॉल्ट इज 36 ग्राम इन 100 ग्राम वाटर, मींस हम पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी होती क्या है, दिस इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट व्हिच कैन बी डिसॉल्व इन अ पर्टिकुलर अमाउंट टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड भी बनना चाहिए सर, हां सैचुरेटेड बनना। अब बात करते हैं सिस्टम 3, हमें सिस्टम 1 या 2 एंड या फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक में 40 ग्राम है, एक में 36 ग्राम है, एक में 20 ग्राम सॉल्ट एडेड टू 100 ग्राम ऑफ वाटर इन ईच केस द वेपर प्रेशर वुड बी। अब देखो फर्स्ट बोल तो हम देखते हैं यहाँ पे कि सॉल्युबिलिटी क्या बताया अभी हमने कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन डिसॉल्व, यानी वो मैक्सिमम है, उसके ज्यादा अगर आपने डिसॉल्व कर दिया मीन क्या होगा पीपीटी वाला कर क्या वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा ही नहीं, एक्चुअल में होगा ही नहीं और वो काउंट भी नहीं होगा, काउंट भी नहीं होगा, पीपीटी इज नॉट द पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, अवक्षेपण विलयन का कोई भाग है नहीं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आपका कोई काम का नहीं है। इट मीन देखो मैक्सिमम 36 डिसॉल्व होगा ना यहाँ पे, और यहाँ पे देखो 36 से ज्यादा 4 का तो पीपीटी आ जाएगा तो वो तो कोई काम का है नहीं, इट मीन आप पे ये दोनों डेटा क्या है इनका रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा, कोई भी क्वालिटी प्रॉपर्टी हो दोनों का रिजल्ट क्या आएगा सेम आएगा। अब यहाँ पे किसकी बात कर रहा है प्रॉपर्टी वास्तव दाब की यानी वेपर प्रेशर की बात कर रहा है, तो मीन्स आपका 40 वाला जो है यानी फर्स्ट और सेकेंड, तो फर्स्ट और सेकेंड का तो क्या होगा वेपर प्रेशर क्या होगा एग्जैक्टली इक्वल आ जाएगा। अब बात करते हैं 20 ग्राम अभी सॉल्यूट कम, अब देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में होता क्या है व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड एंड वीपी इज रिड्यूस्ड वाइब्रेशन क्या होती है कमी आती है, इट मींस जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे वीपी कम होगा, जितना कम ऐड करेंगे वीपी ज्यादा होगा, तो ऑब्वियसली बात है 20 दोनों से कम है तो वीपी क्या होगा नेक्स्ट क्या होगा इनसे ज्यादा या कम से ज्यादा ही आएगा, ज्यादा ही आएगा तो क्या आएगा ये कौन सा है थर्ड है सर, तो थर्ड का क्या होगा ज्यादा होगा, ऐसा ऑप्शन ढूंढो सर, हां क्या ऑप्शन तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में रहेगा बट सॉल्यूशन फॉर्म में 36 ग्राम ही होगा, तो फर्स्ट और सेकंड के लिए सेम आना चाहिए, और थर्ड के लिए अपन ऐसा बोलते हैं जितना अमाउंट सॉल्यूट का ज्यादा होगा उतना ही वेपर प्रेशर डिक्रीज ज्यादा होगा,
तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कम है तो रिलेटिव डिक्रीज होगा वो इनके कंपैरेटिव में कम होगा, इसका मतलब वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। नेक्स्ट 7 नंबर प्रॉब्लम बोला है सर, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ऑस्मोसिस टेक्स प्लेस इफ द सॉल्यूशन आर सेपरेटेड बाय ए सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमीएबल मेम्ब्रेन जो होता है ना सर, वो फर्स्ट ऑफ थिंग जो है वो अपने में से सॉल्वेंट को ही पास होने देता, सॉल्यूट को तो नहीं पास होने देता है, ओनली पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट कैन पास, ठीक है। सेकंड नंबर चीज, ये ऑस्मोसिस प्रोसेस होने का एक ही रीजन है, दोनों साइड जो है वो सर वेपर प्रेशर का डिफरेंस होता है, बिल्कुल। अगर वेपर प्रेशर दोनों साइड का अगर सेम हो जाए तो उस कंडीशन में, या दोनों साइड का अगर प्रेशर सेम हो जाए तो कभी भी वॉटर फ्लो नहीं करेगा। तो अपन को अल्टीमेटली ये देखना है कि किस साइड में वेपर प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है या किसमें ज्यादा है। बस अगर ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों साइड में, जैसे अगर आपने यहाँ पे एसपीएम लगा रखी है, ये अगर आपने एसपीएम लगा रखी है, इस साइड सॉल्यूशन एक रखा जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर पाइप में, या किसी का प्रेशर पाइप मान लेते हैं और इसका प्रेशर पाइप मान लिया, अगर इन दोनों के प्रेशर बराबर हुए उस कंडीशन में नो फ्लो होगा, कोई फ्लो होगा ही नहीं। मींस आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या बोलेंगे उनको, इफ पाई 1 इक्वल टू पाई 2 क्या बोलते हैं, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नेट फ्लो वहां पे क्या होगा, होगा ही होगा, ठीक है। तो अपन को ये चेक करना है अल्टीमेटली कि कहां पे वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर सेम रह सकता है। वेपर प्रेशर बात करो या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर बात करो, वो आयोटा इंटू सी के ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप टेम्परेचर कॉन्स्टेंट रख रहे हो हर केस में, तब बिल्कुल। तो आयोटा और सी का मल्टीप्लाई आपको चेक करना है, अगर वो डिफरेंट होगा तो ही ऑस्मोसिस होगा, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज नहीं होगा। आप ये चेक करते जाना है सर अपन को, आयोटा इंटू सी सेम आ रहा है नहीं आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 चेक करते हैं। तो इसके लिए देखो बेटा आई की वैल्यू क्या होगी, एनएससी अगर कुछ भी नहीं दे रखा होगा ना सर, तो फर्स्ट ऑफ थिंग अल्फा जो होगा वो 100% कंसीडर करेंगे, तो NaCl के लिए I कितना होगा, 2 हो जाएगा। NaCl is an ionic compound, NaCl is electrolyte, 100% dissociation consider करेंगे तो iota 2 हो जाएगा, ठीक है। C कितना है, 0.1 है, तो इसके लिए आ गया 0.2, और 0.2 ग्लूकोज है, इसके लिए C तो दे रखा है, और I की वैल्यू iota कितना होगा, इसके लिए 1 होगा, इट मींस क्या आ गया 0.2, इट मींस बोथ आर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, नेट फ्लो यहां पे नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ पे बात कर रहा है 0.1 मोलर सुक्रोज है, तो यहाँ पे आयोटा 1 है, सी 0.1 हो गया। इधर बात करें फ्रुक्टोज, फ्रुक्टोज भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, 0.1 इनटू सी, ये दोनों भी सेम हो गए, इसका मतलब ऑस्मोसिस नहीं होगा, सेपरेट हम नहीं कर पाएंगे, सही। थर्ड चेक करते हैं, यहाँ पे आयोटा देखो नंबर ऑफ आयंस अल्फा क्या मानेंगे, 100% मानेंगे, तो 4+1 5 हो गया, तो आई यहाँ पे हो गया 5 और C कितना है 0.05, तो यहाँ पे I इंटू सी क्या हो गया 0.25, ठीक है 0.25 हो गया यहाँ पे। अब चेक करते हैं 0.1 CaCl2, तो CaCl तो नंबर ऑफ आयंस 3 है, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए जब अल्फा 1 होता है तो I इक्वल टू क्या होता है N बोले तो नंबर ऑफ आयंस, तो कितना आयंस है 3 है, तो 3 × 0.1, यानी इनके लिए क्या आया I इंटू सी 0.3 आया। अब देखो ये 0.25 है, ये 0.3 दोनों डिफरेंट है, इट मींस नेट फ्लो होगा, तो आप इन दोनों को सेपरेट हम कर सकते हैं, दिस विल बी करेक्ट आंसर सर। फोर्थ पे एक बार और चेक कर ले आप, इसका आयोटा सर 3 हो जाएगा, तो 3 × 10⁻³ हो गया, इसका आयोटा 2 है तो 2 × ये करेंगे तो ये भी 3 × 10⁻³, दोनों साइड का प्रेशर बराबर है, तो नेट फ्लो नहीं होगा सर, यानी यहां पे सेपरेट आउट इनको भी हम नहीं कर पाएंगे, नेट फ्लो नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर कौन सा है, थर्ड हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, कंपाउंड है PDCl4.6H2 सॉल्ट है, इट इज ए हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अभी कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में बना नहीं सर, आपको कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा, हाँ। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन, यानी मोलैलिटी की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, 1 गिवन है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है इसका 269.28 केल्विन, असिमिंग 100% आयोनाइजेशन, आपको अल्फा क्या मानना है, 1 मानना है। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आप देखो सिंपल जी बात है, नंबर ऑफ आयंस अगर आपको मिल गए तो फॉर्मूला बता सकते हो, नंबर ऑफ आयंस के लिए क्या चाहिए सर, आयोटा चाहिए, और यहां पे हो क्या रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो रहा है, तो क्या अप्लाई करेंगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आयोटा आई इंटू केएफ इंटू मोलैलिटी। अब डेल्टा टीएफ की वैल्यू सर कितनी दी गई इसमें, देखो एक्चुअल में फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है, और डेल्टा टीएफ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ नोट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट माइनस टीएफ, टीएफ यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है।
तो 273 माइनस 269.28 अपने पास सब वन, तो यहां से देखो सिंपल सी बात, जस्ट इसके डबल हो रहा है, आयोटा आपका आ गया 2, यानी नंबर ऑफ आयंस कितने हैं 2। तो अब देखो ऑप्शन देखो, ये नंबर ऑफ आयन 2 किस में देखो, फर्स्ट में कितना आयन होंगे 4 + 1 = 5, तो फर्स्ट आप करोगे, सेकंड से कैंसिल, सेकंड वाले में एक आयन तो यहां से मिल जाएगा और 2 Cl है तो 3 मिलेंगे आयन, इसमें आपको एक Cl बाहर है तो एक आयन तो ये होगा, एक कॉम्प्लीमेंट कंडीशन स्थिर हो गया, तो आपके नंबर ऑफ आयन होंगे 2, और आपका आई की वैल्यू कितना है 2 आई है, तो मींस आपका ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। एक बार सर फोर्थ और देख ले, फोर्थ वाले में तो सर एक ही आयन मिल रहा है, बिल्कुल सर, तो फोर्थ तो आपका क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया, ये डॉट H2O लिखा हुआ होता है ये आयन नहीं बनाता सर, ये तो हाइड्रेट फॉर्म है, दिस इज हाइड्रेट फॉर्म, ठीक। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, आपको बोला फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। फर्स्ट ऑफ थिंग सर, ये क्वेश्चन जो है ना वो चार तरीके से ट्रेंड कर सकता है एग्जाम में, ये फ्रीजिंग पॉइंट की जगह आपसे वेपर प्रेशर भी पूछ सकता है, चारों बॉइलिंग पॉइंट भी पूछ सकता है और ऑस्मोटिक प्रेशर भी पूछ सकता है, अपन चारों को एक बार ट्रेंड में ले लेते कैसे, चारों एक साथ सर बता दें, ठीक है। अपन ये बोलते हैं कि अगर मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होता है, मोल्स ऑफ अगर सॉल्यूट इंक्रीज होता है देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है सर। अगर मैं फर्स्ट ऑफ थिंग बात करूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, बिल्कुल यस, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज होगा, इसका मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, ये पाइप इंक्रीज हो गया। सेकंड नंबर मैं बात करता हूं बॉइलिंग पॉइंट, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्या सर, बिल्कुल बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अगर इंक्रीज होगा तो एलिवेशन ज्यादा होगा, बिल्कुल, और अगर एलिवेशन ज्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन जो होता है इंक्रीमेंट वो होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट प्लस डेल्टा टीबी जो एलिवेशन हुआ, अगर ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन भी बढ़ेगा, अल्टीमेटली बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा इंक्रीमेंट है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मीनिंग टू सेम का ट्रेंड सेम रहेगा, ये दो का ट्रेंड सेम रहा। अब बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, इसका मतलब मोल्स बढ़ेगा तो डिप्रेशन बढ़ेगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट अगर बढ़ रहा है, बिल्कुल डेल्टा टीएफ बढ़ रहा है, तो आप एक काम कर सकते हो कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो सॉल्यूशन का वो ये होता है सॉल्वेंट माइनस डेल्टा टीएफ, आप कह रहे हो डेल्टा टीएफ बढ़ रहा है तो फ्रीजिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा, ये फ्रीजिंग पॉइंट सॉल्यूशन का जो होगा वो डिक्रीज होगा। नेक्स्ट बात करूं वेपर प्रेशर, अभी अपन ने बोला था जैसे जैसे नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा, और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो ये लो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ, मींस अल्टीमेटली आपको याद कर रखना है कि दो प्रॉपर्टी पे क्या हो रही है, डायरेक्टली क्या हो रही है फोर्स हो रही है, और रिमेनिंग जो टू है फ्रीजिंग पॉइंट एंड वेपर प्रेशर में क्या हो रहा है आरएलवीपी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो वहां तो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है सही। और दूसरा डिप्रेशन ऑलरेडी वहां पे आ रहा है जिसमें डिक्रीमेंट हो रहा है ना वो क्या हो जाएंगे इसके इनवर्सली हो जाएंगे, और जिसमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट तो वहां ऑलरेडी क्या हो रहा है एलिवेशन हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, और ऑस्मोटिक प्रेशर सिंपल सा हो गया तो दो आपका ट्रेंड अलग है रिमेनिंग टू का ट्रेंड अलग है। अब अल्टीमेटली मेरे को ये बात बोल रहा है कि फ्रीजिंग पॉइंट का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है, इट मींस जिसका मोल कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज्यादा होगा, एक्सपेरिमेंटल मोल अगर बात करें तो एक्सपेरिमेंटल मोल बोलो या फिर आयोटा इनटू सी बोलो एक ही बात है, ठीक है। यहां पे अपन मोलैरिटी को एज ए मोलैलिटी कंसीडर कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज बात करते हैं के एनोथ्री की बात कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो इसके लिए आई क्या है आयोटा हो जाएगा, तो आयोटा हो जाएगा 2 हो जाएगा, और सी की बात करें आई सी निकाल रहे हैं तो इसके लिए 2 × सी इसमें गिवन है 0.025, तो ये वैल्यू आएगी 0.05 आएगी, ये तो बात हो गई के N3 के लिए सर, बिल्कुल सर। आगे बात करते हैं अपन 0.1 NH2CSNH2, तो यहाँ पे आयोटा 1 होगा और C 0.1 है तो 1 × 0.1 ये वैल्यू जाएगी 0.1 या 0.2 तो की बात है 0.10 और 0.1 की बात है, ठीक है। यहां पर BaCl2 के लिए अगर बात करें, नेक्स्ट हम बात करते हैं BaCl2 का आयोटा हो जाएगा 3, आयोटा इसका 3 होगा और C की वैल्यू गिवन है 0.05 गिवन है, तो ये आ गया 0.15 हो गया।
NaCl के लिए दे रखा आयोटा तो देगा ये है किसके लिए BaCl NaCl का आयोटा तो है 2.1 दे रखी कंसंट्रेशन 0.1 है यहाँ पे कंसंट्रेशन कितना हो गया 0.20 अब देखो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऑलरेडी आ गया आप अगर ध्यान से देखें अगर ये तो मोल के लिए है आयोटा इंटू सी का इंक्रीजिंग ऑर्डर आया आई तो आयोटा इंटू सी एक्सपेरिमेंटल मोल को रिप्रेजेंट कर रहा है जितना मोल ज्यादा होगा उतना ही फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा उल्टा डिप्रेशन ज्यादा होगा इट मींस फ्रीजिंग पॉइंट का ऑर्डर तो फिर ये आना चाहिए KNO3 फिर NH2 वाला फिर BaCl2 वाला और NaCl वाला सबसे तो क्या है ये फ्रीजिंग पॉइंट के मामले क्या करना जस्ट अपोजिट करना आपको तो आपका मैक्सिमम किसका आएगा KNO3 तो मैक्सिमम KNO3 सर देखो कौन सा है KNO3 ये बड़ा फिर आपका CS फिर आपका BaCl सेकंड करेक्ट आपका सेकंड ऑप्शन है करेक्ट है ठीक है सर अगर हम बात करते हैं अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट सारी है अब ऑप्शन ध्यान से देखो तो क्या दिया हुआ कैपिटल एम एंड कैपिटल एम रिप्रेजेंट मोलरिटी तो मोलरिटी क्या होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट और किसकी बात कर रहे हैं मोलरिटी ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 अब देखो अपने पास दो सॉल्ट है वहां तो एल्यूमिनियम है नहीं ठीक है ओनली यहां पे है तो यहां पे कितने होंगे एम इंटू वी और क्या करना पड़ेगा 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट कंटेंट 2 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 दैट्स व्हाई मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम प्लस 3 विल बी 2 इंटू 0.2 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन नीचे क्या आएगा टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो देखो टोटल वॉल्यूम कितना 20 प्लस 20 40 हो गया कितना हो गया 40 इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो गया 2 हो गया ये 2 से 2 कैंसिल यानी फाइनल आंसर क्या आएगा 0.2 एम 0.2 आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है फर्स्ट है तो फर्स्ट इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है सर दी हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर दी सॉल्युबिलिटी ऑफ N2 गैस इन वाटर एट 298 केल्विन इज 1 × 10⁵ atm इट इज द हेनरी कांस्टेंट KH द मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 इन एयर इज 0.8 ये सब N2 की एयर में दे रखी है ठीक है एटमॉस्फेयर में जैसे मान लिया द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 फ्रॉम एयर डिसॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर at 298 केल्विन एंड 5 atm प्रेशर ये पूछ रहा है सर एक्चुअल में होता क्या है सर अगर मैं बात करूं कि यहां पे अपन एक बात करें हेनरी लॉ एप्लीकेबल होने वाला है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड की अगर अपन बात करें तो हेनरी लॉ आएगा टोटल सर अगर 3 सॉल्युबिलिटी की बात करें जहां पे अपन प्रेशर से रिलेटेड बात करते हैं 2 गैस का अगर मिक्सचर होता है और प्रेशर की बात करते हैं तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर अप्लाई करते हैं 2 लिक्विड का सॉल्यूशन है वोलेटाइल है और वहां पे प्रेशर कैलकुलेट करना राउंड का लॉ गैस को अगर डिसॉल्व करवाते हैं वेव वाटर के अंदर तो उस कंडीशन में अपन प्रेशर जो कैलकुलेट करते हैं वो करते हैं अपन किससे हेनरी लॉ हेनरी लॉ तो हेनरी लॉ ये कहता है प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन इज इक्वल टू KH इनटू x ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन ये है सर इसका मैथमेटिकल फॉर्म एक तरीके से अगर अपन बात करें ठीक है पी ऑफ द गैस होना चाहिए इज इक्वल टू KH इज द हेनरी कांस्टेंट एंड एक्स ऑफ दी गैस इन सॉल्यूशन ये होना चाहिए ठीक है अब देखो सर आपको ये एक्स गैस ऑफ दी सॉल्यूशन की बात अपन से पूछा है क्या प्रेशर दे रखा है सर बिल्कुल दे रखा 5 atm प्रेशर दे रखा बिल्कुल दे रखा ये लीजिए अच्छा 5 atm तो टोटल प्रेशर दे रखा आपको इसमें मोल फ्रैक्शन ठीक है अब पहले सर मेरे को गैस का प्रेशर कैलकुलेट करना पड़ेगा ये तो टोटल प्रेशर है डाल्टन का पार्शियल प्रेशर लगाता हूं तो p इज इक्वल टू p टोटल इनटू x होता है तो मेरे को P of the N2 कैलकुलेट करना है तो 5 यहाँ पे टोटल प्रेशर है और 0.8 एयर में इसकी मोल फ्रैक्शन है तो ये हो गया 4 तो देखो यहाँ पे X है वहां भी X है डोंट बी कंफ्यूज ये जो एक्चुअल में X है हम बात कर रहे हैं कि देखो ये जो प्रेशर ऑफ गैस है ये कौन सा प्रेशर है जो गैस यहाँ डिजोल्व होगी उसी का यहाँ प्रेशर लेंगे यहाँ पे ओनली N2 डिजोल्व हो रही है अगर बोलता पूरी एयर डिजोल्व करनी है तो क्या लेते हैं टोटल प्रेशर लेते हैं यहाँ पे जो ये है ये प्रेशर कौन सा ले रहे हैं सर जो जो गैस डिजोल्व हो रही है वो वाटर से यहाँ पे आएगा और यहाँ पे जो एक्स है वो आएगा यहाँ पे सॉल्यूशन में उसकी मोल फ्रैक्शन क्या है डिजोल्व कितनी होगी
बिल्कुल सर, ये लिखा हुआ है एक्स गैस इन सॉल्यूशन होना चाहिए। तो गैस का जो प्रेशर, नाइट्रोजन गैस का प्रेशर जो यहाँ पे डेवलप होगा सॉल्यूशन में, वो अपने कैलकुलेट कर लिया, 4 होना चाहिए। ये लीजिएगा 4 सर, यूनिट एक बार इसकी 4 की, प्रेशर ऑफ द गैस 4 एटीएम है सर, यहाँ पे अपने एटीएम दे रखा है, केएच की 10^5 एटीएम से एटीएम कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स गैस चाहिए सर, ये लीजिएगा एक्स गैस, इसको मैं लिख देता हूँ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 डिवाइड बाई टोटल मोल सर, एक बार बिल्कुल सर, है ना, ये वैल्यू आ जाएगी 4 × 10^-5 इसको ऐसे लिख देता हूँ 4 × 10^-5 ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है, ये 10^-5 सर, ये वैल्यू बहुत कम है, ये वैल्यू बहुत कम आ रही है, इसका मतलब ये है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, तो N2 के मोल नेग्लिजिबल मान सकता हूँ। यहाँ पे बेसिकली लिखना तो ये था वाटर का मोल प्लस N2 का मोल, बट आप इसको नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 जो आएगा वाटर के मोल, टोटल मोल वाटर के मोल के इक्वल ही होगा, मल्टीप्लाई बाई 4 × 10^-5 और मेरे को वाटर के मोल यहाँ पे दे रखे 10, तो यहाँ पे अगर 10 वैल्यू रखता हो तो ये आ जाएगा 4 × 10^-4 मोल डिसॉल्व होना चाहिए। कौन सा ऐसा फर्स्ट है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। आप यहाँ पे बी केयरफुल रहे थोड़े, क्योंकि पी गैस अगर आपने 5 रख दिया टोटल, तो 5 वाला भी ऑप्शन है ना, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा आंसर। तो यहाँ पे ये ध्यान रहे पी गैस ओवर द सॉल्यूशन है, यहाँ पे केएच और यहाँ पे एक्स जो है वो गैस इन सॉल्यूशन है, मींस सिंपल जो बात है ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व कितना वो है, और यहाँ पे कौन सी गैस डिसॉल्व हो रही है उसका प्रेशर है, वो प्रेशर कितना अप्लाई करी है, जो गैस जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगी सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। हाँ सर, नेक्स्ट देखिएगा, कंसिडर द सेपरेट सॉल्यूशन ऑफ, अपने पास क्या है 0.5 mg इथाइल अल्कोहल, ठीक है, 0.1 mg मैग्नीशियम फॉस्फेट है, 0.25 mg KBr और 0.125 mg सोडियम फॉस्फेट, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, हमें क्या करना है कौन सा ट्रू है कौन सा फॉस देखना है। तो अगर ऑप्शन हम देखें तो ये बात कर रहा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में किसकी, ऑस्मोटिक प्रेशर पराशन दाब की बात कर रहा है, किसका ज्यादा है किसका कम है, तो पराशन दाब पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इज इक्वल टू होगा सर आयोटा सी आर टी, आयोटा सी आर टी, अब यहाँ पे आर टी सबके लिए सेम हो जाएगा, इसका देखना है टेंपरेचर मेंशन है नहीं सर, आयोटा इनटू सी जिसके लिए ज्यादा आएगा उसका पाई भी ज्यादा होगा, पाई ज्यादा होगा, तो आप फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो ये 0.5 इसके लिए आयोटा की वैल्यू 1 होगी, तो 1 × 0.5 यानी इसके लिए क्या हो जाएगा एग्जैक्टली 0.5 आ जाएगा, उसके लिए देखिए सर, इसके लिए सर आयोटा तो 5 है बिल्कुल, और 0.1 दे रखा है, तो 5 × 0.1 अगर अपन बात करेंगे तो इसका भी 0.5 आएगा, 0.5 आ जाएगा। नेक्स्ट 0.25 mg KBr है, तो KBr के लिए I हो जाएगा 2 और कंसंट्रेशन 0.25 है, तो इसके लिए भी 0.5 हो जाएगा। नेक्स्ट है 0.125 mg सोडियम फॉस्फेट, यहाँ पे कितना आयन हो गया 3 और 1 = 4, तो I कितना हो गया इसके लिए 4 हो गया, और कंसंट्रेशन हो गई कितनी 0.125, तो इसके लिए कितना हो गया I into C 0.5, तो देखो 0.5 0.5 सबके लिए क्या है I into C की वैल्यू सेम है, इट मींस सबका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा सेम होगा। तो हम बात करें ऑप्शन देखें सर, तो कौन सा ऑप्शन नंबर 3 है, दे ऑल हैव द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर सबके लिए, पराशन दाब का मान क्या होगा समान होगा। नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, 0.2 मोलल एसिड HX is 20% आयोनाइज्ड इन सॉल्यूशन, KF दे रखा है द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है सर, फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो डेल्टा TF is equal to आयोटा इनटू KF इनटू M होगा, बिल्कुल सर, मेरे को मोलेलिटी दे रखी है, ठीक है, KF की वैल्यू है 1.86, मोलेलिटी की वैल्यू दे रखी है 0.2, आयोटा लेके आयोटा आपको निकालना पड़ेगा, ये HX दे रखा है, HX दे रखा है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो H+ मिलेगा प्लस X- मिलेगा, ठीक है, अगर अपन आयोटा के लिए बात करें तो 1 + α (n-1) + y - 1, ठीक है, X+Y का मतलब ये X हो गया ये Y हो गया, ठीक है, तो 1 + α दे रखा है 0.2, X की वैल्यू 1, Y की वैल्यू 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1.2, ये 1.2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1.2 रख दीजिएगा तो ये हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाई 1.86, ये अप्रोक्सीमेट अगर मैं बात करूं सर, ये 2.4 50 ग्राम बेंजीन में, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ है,
वॉल्टर फैक्टर ही, सिंपल सी बात है, आई करना है तो क्या लगाएंगे आप, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आयोटा इंटू के एफ इंटू मोलालिटी स्मॉल है। अब डेल्टा टी एफ की वैल्यू यहाँ पे गिवन है 2 केल्विन, तो 2 आई आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है टी एफ की वैल्यू कितनी गिवन है 1.72। और बात करते हैं मोलालिटी क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के मोल निकालने हैं, तो कितना डिजोल्व कर रहे हैं 20 ग्राम, तो 20 ग्राम आपका क्या हो गया वेट इन ग्राम अपॉन मोलर मास, इसका मोलर मास देखे हम किसका, नेफ्थेलिक एसिड का, तो C11 यानी कितना हो गया 72 हो जाएगा इसका, 172 हो जाएगा, तो 172 हो गया अपॉन क्या आएगा वेट ऑफ सॉलिड केजी कितना है 50 है, ग्राम में है, केजी में कर लेते हैं 10^-3। अब देखो यहां पे क्या हो गया, ये कितना हो गया 100 times हो गया, 10^2 हो गया 2 1, इसको यहां फिनिश कर देते हैं तो यहां कितना हो गया 4 हो गया, तो आई अपना हो गया 2/4, कितना हो गया 2/4 बोले तो 0.5 ऑप्शन में है अपने फर्स्ट, तो आपका फर्स्ट क्या हो गया करेक्ट हो गया। नेक्स्ट मूव फॉर क्वेश्चन नंबर 15, ये मोर देन वन टाइम वन और मोर देन वन है, वन भी हो सकता है और उससे ज्यादा भी हो सकता है। आपको बोला गया फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मींस अल्फा को फिक्स कर दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग है करेक्ट वोंट ऑफ फैक्टर, ठीक है वोंट ऑफ फैक्टर आयोटा जो होता है वो होता है 1 अल्फा एक्स प्लस वाई माइनस 1, ये इट इज द वैलिड फॉर एक्स बी वाई इलेक्ट्रोलाइट के लिए, बिल्कुल ठीक है। NaCl की अगर मैं बात करूंगा तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो NaCl के लिए जब आप बात करोगे तो आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा x की वैल्यू 1 y की वैल्यू भी 1 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, और ये क्या गिवन है 2 प्लस अल्फा, इट इज द रॉन्ग। कैल्शियम नाइट्राइड के लिए अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा x की वैल्यू ये 1 हो गया, y की वैल्यू 2 माइनस 1, इट मींस 1 प्लस 2 अल्फा होना चाहिए, ये तो करेक्ट है। थर्ड ये बात कर लेते हैं तो 1 प्लस क्या आएगा अल्फा और n यानी x + y, 4 + 1 कितना हो गया 5, 5 - 1 कितना हो गया 4, तो 1 + 4 अल्फा, और यहां क्या गिवन है 1 + 4 अल्फा, इट मींस ये भी क्या है करेक्ट है। फोर्थ वाले ऑप्शन को बात करें अमोनियम फॉस्फेट, यहां पे भी केयरफुल रहे, ये अमोनियम जो है वो एक साथ रहेगा तो ये 3 तो अमोनियम बन जाएगा, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 1 होगी, 4 नहीं होगी, फॉस्फेट पूरा एक साथ रहेगा, मींस कह सकते हैं डिसोसिएट किस में होगा ये NH4+ में और प्लस फॉस्फेट आयन क्या होता है PO4-3, तो यहां पे x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू 1 है, तो 1 प्लस अल्फा 3 प्लस 1 माइनस 1, इट मींस 1 प्लस 3 अल्फा होना चाहिए, ये नहीं दे रखा है, इसका मतलब सेकंड और थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी इसका आंसर क्या होगा सेकंड एंड थर्ड। ओके नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ द पार्शियल प्रेशर ऑफ पीजी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन डिसॉल्व स्टेट, और पता है फॉर्मूला P इक्वल क्या होता है KH into X of gas, डिस्कशन कर भी चुके हैं इसके बारे में काफी कुछ, वेयर KH इज हेनरी कांस्टेंट, तो हेनरी कांस्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेटमेंट होगा कौन सा राइट है, तो फर्स्ट क्या है KH इज कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट फॉर ए गिवन गैस सॉल्वेंट सिस्टम, बिल्कुल करेक्ट है कि जैसे सॉल्वेंट चेंज होगा सॉल्विटी चेंज होगी, तो ये KH डिपेंड किस पे कर रहा है गैस सॉल्वेंट दोनों सिस्टम पे एज इट इज क्या कर रहा है डिपेंड कर रहा है, तो फर्स्ट आपका करेक्ट है। सेकंड higher the value of KH lower the solubility, तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल है, P equal to क्या लिखा हुआ KH into X, तो X क्या होगा P upon KH, it means अगर KH की value ज्यादा होगी गैस के मोल फ्रैक्शन क्या होंगे कम होंगे कम होते जाएंगे, और KH कम होगा तो ये ज्यादा होगा, it means both are inversely proportional to each other, तो इसमें ये तो बोल रहा है कि KH का उच्च मान गैस की value का कम यानी हाई लोअर सॉलिडिटी होगी तो हाई वैल्यू क्या होगी KH, इट मींस क्या है ये भी करेक्ट करेक्ट है। थर्ड की बात करें तो KH हैज टेंपरेचर डिपेंडेंस, बिल्कुल सही बात है, इफ टेंपरेचर इंक्रीज देन KH इंक्रीज, और KH इंक्रीज होगा तो क्या होगा x क्या होगा डिक्रीज होगा, तो टेंपरेचर ये भी क्या होता है वैल्यू होता है, इट मींस क्या है थर्ड भी करेक्ट है, और फोर्थ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है क्या लिखा हुआ है KH इंक्रीज विद टेम्परेचर, क्लियर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इट मींस इसका आंसर क्या होगा ऑल आर करेक्ट 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, एट 35 डिग्री सेल्सियस द वेपर प्रेशर ऑफ CS2 कार्बन डाइसल्फाइड 512 mm of Hg मींस प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर दे रखा है अपन को,
एंड ऑफ एसीटोन इज 344 mm ऑफ HD. A solution of carbon disulfide and acetone in which the mole fraction of carbon disulfide is 0.25 has a total vapor pressure of 600 mm of Hg. अगर ये given है, it means it is the vapor pressure observed, या फिर experimental बोल सकता हूँ मैं, ठीक है? But मेरे पास एक तरीका भी है कि vapor pressure जो है वो मैं theoretical calculate कर रहा हूँ, और vapor pressure theoretical जो calculate करते हैं, वो Raoult's law से करते हैं, means Pa naught Xa plus Pb naught Xb. Xb. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 512 दे रखा है और इसका दे रखा है 0.25 ए हम मान लेते हैं यहाँ पे CH2 को मान लेते हैं और एसीटोन का 512 हो गया मोल फ्रैक्शन 0.25 होगी इसको 344 माने 0.75 अगर कंसीडर करते हैं ये 1/4 हो जाएगा ये 1/4 हो गया तो 128 ये हो जाएगा प्लस ये अगर 3/4 हो गया तो ये हो जाएगा सर 3/4 का मतलब 300 386 और अपन को दे कितना रखा है एक्सपेरिमेंटल 600 इट मींस पीटी ऑब्जर्व जो है वो मोर देन क्या है पीटी रॉल्ट ये हमने कैसे निकाला है पीटी रॉल्ट से निकाला है इट मींस कैसा डेविएशन है पॉजिटिव डेविएशन है सर ये पॉजिटिव डेविएशन तो पॉजिटिव अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा कौन सा आंसर है तो ऑप्शन 1 देखिए सर ए मिक्स ऑफ 100 ml ऑफ एसीटोन 100 ml ऑफ CH2 वॉल्यूम ऑफ 200 ml यानी नेट वॉल्यूम में चेंज जीरो और ये कब आएगा सर जब ये आइडियल हो तभी आएगा आइडियल ये दोनों इक्वल होते तो क्या होता आइडियल होता है ये कहता है नॉन आइडियल नॉन आइडियल फर्स्ट बिल्कुल रॉन्ग नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन होता है तो वॉल्यूम में वॉल्यूम जो होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की मैं बात करूं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेल्टा वी जो आएगा वो पॉजिटिव आना चाहिए यहां पे जीरो आ गया ये जीरो गया है सेकंड बात करते हैं When acetone and CH2 are mixed at 35 degree Celsius, heat must be absorbed. यानी heat absorbent delta H किसकी बात कर रहे हैं? Positive की बात कर रहे हैं। बिल्कुल सर क्योंकि force जो नया बना वो weak बना है। weak बना। तो break करने के लिए आपको energy ज़्यादा देनी पड़ेगी। Release वापस कम हुई है। इसका मतलब delta H इसका positive आएगा। Second statement is the correct. Second is correct. यानी positive deviation के लिए delta H क्या होता है? Positive होता है। Endothermic reaction है। तो थर्ड तो गलत हो ही गया एक्सोथर्मिक तो अपना पॉजिटिव आ गया एक्सो के लिए डेल्टा एच क्या होता है नेगेटिव होता है तो ये रॉन्ग हो गया लास्ट एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो चाहे कैसा भी सॉल्यूशन बने आइडियल बने चाहे नॉन आइडियल बने पॉजिटिव डेविएशन बने नेगेटिव मिक्सिंग की एंट्रोपी ऑलवेज पॉजिटिव चेंज इन में एंट्रोपी ऑलवेज बढ़ती है तो आपका ये भी रॉन्ग है करेक्ट आपका ओनली कौन सा केस में सेकंड तो नेक्स्ट पोर्शन अपना इंटीजर टाइप क्वेश्चन में फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ ए 0.109 m एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड यानी ये तो आपको क्या गिवन है कंसंट्रेशन सी गिवन है ठीक है फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला क्या होगा HCOOH और कितना दिया हुआ है 0.21 यानी 0.21 किसकी वैल्यू है सर डेल्टा पीएफ की ठीक है इसके लिए करना क्या हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 1.46 इनटू 10^-1 आपका क्या करना है कैलकुलेट करना है इट मींस अल्टीमेटली वी हैव टू कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है वीक के लिए होता है k इक्वल टू c अल्फा स्क्वायर अब यहां पे c तो अपने पास है अल्फा नहीं है और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन की बात कर रहे हैं इट मींस अल्फा किससे आएगा आयोटा से आएगा तो हम क्या अप्लाई करेंगे डेल्टा tf इक्वल टू आयोटा i इनटू Kf into molality small m वैल्यू पुट कर देते हैं डेल्टा Kf की वैल्यू कितनी है 0.21 है आई हमें कैलकुलेट करना है Kf की वैल्यू कितनी है 1.86 और डाइल्यूट सॉल्यूशन है और यहां गिवन भी है उसके लिए क्या है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी सेम लेनी है तो कितनी है वैल्यू 0.109 है तो यहां से अगर हम आयोटा निकालें तो क्या होगा 0.21 अपॉन 1.86 इनटू 0.109 इसको हम यहां से सॉल्व करें तो एप्रोक्सीमेट कितना आएगा सर 9 1.03 एप्रोक्सीमेट आ जाएगा ये 1.03
और आयोडाइड को लिखा होगा 1 प्लस अल्फा एन कितना इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स या आयंस में 2 में डिसाइड होगा तो एन माइनस वन टू माइनस में बोले तो 1 हो गया अल्फा यहाँ से आ गया 0.03। अब यहाँ से के निकाल सकते हैं तो के क्या हो जाएगा सी सी की वैल्यू 0.109 और अल्फा स्क्वायर इसके स्क्वायर कर लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट आ जाएगा 1 इंटू 10⁻⁴ के आसपास आ जाएगा जो माइनस 4 यहाँ से आ जाएगा। एक बार सर इसको करेंगे याद आएगा सर 0.109 इंटू 9 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा और इनको करेंगे तो ये 1.46 के आसपास आएगा 1.50 का 1.46 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा। तो x वैल्यू क्या हो गई सर यहाँ पे x वैल्यू 4 आ गई तो आपका आंसर क्या है 4। हाँ सर ये हो जाएगा 1.46 ये 1.46 तभी आएगा सर यहाँ पे जब अपन 1 माइनस अल्फा कंसीडर कर लेंगे तब ये आ जाएगा तब आपका आंसर एग्जैक्टली आ जाएगा। हाँ तो यहाँ पे पावर माइनस 4 बच रहा है तो पावर माइनस 4 बच रहा है इतने से एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 4 होनी चाहिए। चले सर आगे क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है सर्टेन मास ऑफ द सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन बेंजीन में आपने इसको डिसॉल्व किया है लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.28 डिग्री सेल्सियस वैल्यू है डेल्टा टीएफ जब ये बेंजीन में डिसॉल्व हुआ है द सेम मास ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर लोअर्स द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 1.4 वाटर के केस में डेल्टा टीएफ 1.4 दे रखा है। If the substance has normal molecular mass in benzene, normal molecular mass is इसका मतलब no association, no dissociation means benzene में iota one होगा। आगे ये बोल रहा है and it is completely dissociated in water. Water. ठीक है. Water में dissociation होगा इसका मतलब iota की value greater than one if two. Into how many ions? अब पूछ रहा ions कितने बनेंगे? Means आपको iota की value पूछ रहा overall बात ये. It dissociate in water. Kf दे रखा है. अब सर मैं एक बात बोलता हूँ ये 100 ग्राम बेंजीन में पहले डिसॉल्व किया था फिर 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व किया फर्स्ट ऑफ थिंग। सेकंड नंबर अगर मैं बात करूं तो सर्टेन मास दे रखा था उसका मॉलिक्यूलर मास भी सेम है इसका मतलब दोनों केस में मोलेलिटी तो बराबर हो जाएगी। बिल्कुल अगर मोलेलिटी बराबर हो जाएगी तो डेल्टा टी एफ जो होता है वो होता है आयोटा इंटू के एफ इंटू एम और मैंने आपको पहले भी बताया था के एफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट मीन्स सॉल्वेंट डिफरेंट डिफरेंट है तो Kf की वैल्यू भी डिफरेंट होगी और डे भी रखी है। M दोनों केस में सेम है तो गया बिल्कुल तो मैं ऐसा बोल दूं डेल्टा Tf1 अपॉन डेल्टा Tf2 आयोटा पहले वाले केस में 1 माना जाए दूसरे में कैलकुलेट करना है बेंजीन का Kf दे रखा है डेल्टा T1 मान लेते हैं बेंजीन वाले केस के लिए और डेल्टा T2 वाटर वाटर वाले केस के लिए मान लेते हैं और इसका दे रखा है 1.86 यहां से आयोटा जो आएगा वाटर का दे रखा है 1.4 तो 5.12 into 1.4 divide by ये दे रखा है 1.28 और इधर दे रखा है अपने पास 1.86 ये approximate अब अगर अपन इसको solve कर ले तो ये तो 4 times हो जाएगा cancel out ये 4 times हो जाएगा ये हो जाएगा 5.6 divide by 1.81 approximate 3 आ जाएगा approximate 3 हो जाएगा means iota 3 आएगा और आयोटा 3 आया इसका मतलब ये हो गया 3 आयन मिलने चाहिए आपको तो इसका आंसर 3 इज द करेक्ट। बिल्कुल चले सर नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इसमें 75.2 ग्राम ऑफ फिनोल फिनोल इट डिसॉल्व इन 1 केजी ऑफ सॉल्वेंट केएफ गिवन है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है डेल्टा टीएफ दे रखा है परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना आपको सॉरी क्या निकालना है परसेंटेज एसोसिएशन निकालना है तो फॉर्मूला आप क्या अप्लाई करोगे डेल्टा टीएफ इक्वल टू वही आई इनटू केएफ इनटू एम यहां से हम पहले क्या निकालेंगे आयोटा निकाल लेंगे और आयोटा और अल्फा के टर्म में इक्वेशन को यूज कर लेंगे उससे क्या आ जाएगा परसेंटेज एसोसिएशन आ जाएगा। तो यहां पे डेल्टा टीएफ की वैल्यू कितनी है 7 है आई आपको कैलकुलेट करना है और Kf की वैल्यू कितनी गिवन है 14 और मोलालिटी क्या है 75.2 ग्राम मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो वेट इन ग्राम पर मोलर मास ऑफ फिनोल इसमें गिवन है 94 इसका मॉलिक्यूलर वेट हो गया 94 1 किलोग्राम सॉल्वेंट दे रखा है 1 केजी आपका सॉल्वेंट है तो यहां से ये कितना हो गया 2 टाइम्स हो गया ठीक है तो I की वैल्यू आपकी आ गई 94 अपॉन 2 इंटू 75.2 तो ये कितना हो गया 4 ठीक है 47.5.2 अब देखो आयोटा की वैल्यू इन केस ऑफ एसोसिएशन ऑलवेज 1 से कम आनी चाहिए 1 से कम आएगी और 1 से कम ही आएगी और क्या होता है आयोटा इक्वल टू क्या लगा दो आप 1 प्लस अल्फा 1 माइनस
अब हम इसी को जाएगा, ठीक है, हम यहाँ पे n क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट अपॉन लिक्विड कर लेते हैं, तो i आपका कितना है 47 अपॉन 75.2 है इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। अब जब भी डायमर बनता है तो डायमर कब बनेगा, जब इसके 2 मोल्स होंगे, उधर क्या होगा 1 मोल्स होगा, तो n की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1/2 क्या होगी 1/2 जाएगी, और 1/2 माइनस 1 क्या होगा माइनस हाफ होगा, और माइनस अगर हाफ करें तो मैं सीधा यहीं पे माइनस क्या हो जाएगा यानी 1 माइनस अल्फा बाय 2, और जैसे हम यहाँ पे सोल्व करेंगे इसको तो क्या होगा अल्फा बाय 2 जो आएगा सर वो आ जाएगा 1 माइनस 47 डिवाइड बाय 75.2, ये आ जाएगा ऑलमोस्ट 28.2 डिवाइड बाय जो आएगा वो 75.2, और ये हो गया अल्फा बाय 2, तो अल्फा इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 28.2 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 75.2 है, और इसको एप्रोक्सीमेट अगर आप सोल्व करें तो ये कितना हो गया 56 अपॉन 75, यानी एप्रोक्सीमेट कितना हो गया ये 3/4 के आसपास हो रहा है सर, 3/4 के आसपास, ये 75% इसका आंसर क्या जाएगा 0.75 है, वो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा, बिल्कुल सर। नेक्स्ट लास्ट बात करें 21 की, एट 40 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर इन टोर ऑफ मिथेनॉल एंड इथेनॉल सॉल्यूशन इज p इज इक्वल टू, ये दे रखा p इज, ये दे रखा है वैसे भी टोटल इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखी है। अब आपको बोला है वेयर x इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथेनॉल, मिथेनॉल की मोल फ्रैक्शन है, देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर मिथेनॉल, प्योर मिथेनॉल का मतलब अकेला मिथेनॉल ही होना चाहिए, अकेला वही कंपोनेंट होना चाहिए, अगर प्योर मिथेनॉल का पूछ रहा है इसका मतलब प्योर मिथेनॉल में अकेला मिथेनॉल होगा, बिल्कुल, और जब अकेला कंपोनेंट होता है तो उसकी मोल फ्रैक्शन 1 होती है, बिल्कुल, तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 रख दो तो जो वेपर प्रेशर आएगा वो p नॉट ऑफ द मिथेनॉल हो जाएगा, बिल्कुल, और यहाँ पे सीधी वैल्यू 1 पुट कर दी जाए तो ये हो जाएगा अपने पास 255 + 19 = 254 आ जाएगा इसका आंसर, टोर इसका आंसर क्या आ गया 254, ठीक है बच्चों, ठीक है, यहाँ तक आपका सॉल्यूशन का हो गया 30 गुरुनीति तक अपन ने कंप्लीट कर लिए, नेक्स्ट गुरुनीति में अपन 31 एपिसोड में नए टॉपिक के साथ बात करेंगे, जब तक आप इसको अच्छे से कवर करें, ओके, थैंक यू, जय सियाल जी।